सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आप इस देश से जरा सा भी प्यार करते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी ही देखनी है। और जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन चीज़ों की जिनसे हमें अभी भी आज़ादी हासिल करना बाकी है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस देश को आज़ाद कराने में बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया है, बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, स्ट्रगल किया है, तब जाकर के आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम खुले आसमान के नीचे बैठ करके ये कह सकें कि हम आज़ाद हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो देश के अंदर अभी भी पनप रही हैं, जिनसे अब भी हमें खुद को आज़ाद कराना है। दोस्तों इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों की चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आम आदमी को भी अपना योगदान देना चाहिए देश को आगे बढ़ाने में। सिर्फ फौजी या जो लोग इस जॉब पर हैं कि वो देश के लिए कुछ कर सकें, उन्हीं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दोस्तों, ये हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी जाकर के हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर पाएंगे जिसको हम कह सकें कि हाँ हम वर्ल्ड लीडर हैं। तो दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो देश के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में घर कर चुकी हैं, बहुत लोगों में ये पनप चुकी है, टेंडेंसी बन चुकी है लोगों की, ये प्रोपेगेंडा फैल चुका है। वो चीज़ें क्या है दोस्तों? लालच, भ्रष्टाचार, दूसरे इंसान को लूटने की प्रवृत्ति, बेरोजगारी, भुखमरी। दोस्तों ये चीज़ें हमारे देश में किसी हमें इन चीज़ों ने गुलाम ही बना रखा है। दोस्तों अगर आज एक इंसान के पास खाने के लिए बहुत ज़्यादा है, दूसरा इंसान भूखा बैठा हुआ है, वो उसको देख रहा है, दोस्तों एक तरीके से वो भूखा इंसान गुलाम ही तो है। क्या वो सिर्फ इस बेसिस पर अपनी ज़िंदगी बिता पाएगा कि हाँ हम आज़ाद हैं? दोस्तों नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो इंसान गुलाम है। एक बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बड़े घरों के बच्चे, एक गरीब घर का बच्चा उस स्कूल के बाहर भीख मांगता है दोस्तों, या जूते पॉलिश करता है। क्या वो ये खुद को सेटिस्फाई कर पाएगा कि हम लोग आज़ाद हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। ऐसा पॉसिबल तब होगा जब देश से, दुनिया से इन बीमारियों को हम लोग ख़त्म कर देंगे। और ये पॉसिबल कब होगा? जब हम ये प्रण लें कि ना हम खुद लालच करेंगे, ना हम भ्रष्टाचार का हिस्सा बनेंगे, ना हम दूसरों को भुखमरी की कगार पर ला करके छोड़ेंगे, ना हम दूसरों का हक छीनेंगे, ना हम दूसरों को लूटेंगे, अगर हमारे पास पावर आती है तो। दोस्तों हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमारा देश महान होते हुए भी हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते कि हम महानतम क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें दूसरों से पीछे कर देती हैं। हमारी सोच कि हम अपने सामने कुछ बुरा होते हुए देखते हैं लेकिन हम आवाज़ नहीं उठाते। दोस्तों क्या होता अगर आज से पहले महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये बड़े बड़े नेता लोग, ये बड़े बड़े लीडर्स, ये बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स ने ये सोचा होता कि हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हम क्यों देश के लिए या हम क्यों समाज के लिए आवाज़ उठाएं, तो क्या हम आज आज़ाद हो पाते? बहुत कठिन होता दोस्तों। उन लोगों ने भी अपना सब कुछ छोड़ा, उन लोगों ने भी ये बात सोची कि हमारे साथ जो हो रहा है वो सिर्फ मैं उसमें काउंट नहीं हूँ, ये सबके साथ गलत हो रहा है और मुझे सबके साथ गलत होने से रोकना है। दोस्तों महात्मा गांधी जी कहते थे कि एक इंसान परिवर्तन नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे लाखों आदमी नहीं खड़े होंगे, और ऐसा ही होता था दोस्तों। कोई भी मूवमेंट, कोई भी आंदोलन अगर देश के अंदर होता था तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक इंसान यहाँ से निकला और उसने कंप्लीट जो है वो एक आंदोलन को फॉर्म किया और उसके साथ कोई नहीं था, ऐसा पॉसिबल ही नहीं दोस्तों। उसके साथ लाखों आदमी जुड़े, तभी उस इंसान को हिम्मत मिली और तभी देश आज़ाद हो पाया, तभी हमने कोई परिवर्तन अपने देश के अंदर हम ला पाए। आज भी हमें रिक्वायरमेंट है, अगर आप अपने आसपास कुछ किसी के साथ गलत होता देखते हैं तो आवाज़ उठाएं, अगर कोई आपका हक छीनने की कोशिश करता है तो आवाज़ उठाएं, क्योंकि तभी जा करके हम इन चीज़ों से खुद को आज़ाद करा पाएंगे और कह पाएंगे कि हाँ हम वर्ल्ड लीडर्स हैं, हाँ हम दुनिया की सबसे महान कंट्री में रहते हैं, और हाँ मेरा देश भारत महान है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों, और एक बार फिर से आपको बता दूं, इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, ताकि ये चीज़ें सबके पास पहुंच सके। और आप ध्यान रखें इन चीज़ों का, अगर अपने आसपास ये चीज़ें देखते हैं तो ज़रूर उस बात के खिलाफ आवाज़ उठाएं, अपने आसपास सफाई रखें, देश को आगे बढ़ाने में अपने तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दें। और फिलहाल जो लोग कोरोना से लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं, कोरोना से हमें आज़ादी दिलाने में हमारी मदद कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा थैंक्स है मेरी तरफ से कि वो लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग सेफली अपने घरों पर रह सके। आप भी अपने अपने लेवल पर उन लोगों की हेल्प करें, जहाँ तक पॉसिबल हो सके उन लोगों का सहयोग करें। एक बार फिर से
हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और वीडियो को कर दीजिए शेयर और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार, थैंक यू।